गाली को बहुत सारा एक्शन करना होता है, तो और ज्वेलरी पहनकर इतना हैवी लुक और गेट अप को कैरी करके, तो बहुत एक्सक्रूशिएटिंग था, बहुत सारी चोटें और मार्क्स एंड कट्स एंड ब्रूजेस आते रहते हैं। बट देन ऐसा ऑलवेज से कि महाकाली है तो स्ट्रेंथ तो इनेट होनी चाहिए और स्ट्रेंथ तो बाहर लानी पड़ेगी। तो इट्स ऑल वर्थ इट। मुझे ये बताया कि जब इतनी मेहनत होती है तभी कुछ आउटकम ऐसा निकल के आता है, और अगर ऐसी मेहनत नहीं कराई जाए तो फिर आउटकम भी ऐसा निकल के नहीं आता। एंड वन थिंग इज दैट कि पैशन ड्राइव करता है किसी भी परफॉर्मर को, और वो पैशनेट तभी होता है जब वो मेहनत करने के लिए रेडी रहती है। सो आई फील ऑनर्ड, आई फील प्रिविलेज्ड टू बी वर्किंग अगेन विद स्वास्तिक बिकॉज ऑफ दिस पैशन दैट ही हैज़। प्ले द कैरेक्टर ऑफ श्रुम, जो सारे असुरों का राजा है, और अभी कहना बहुत मुश्किल है, मैंने खुद एपिसोड आज पहली बार देखा है, थोड़ा बहुत पहले देखा था, बट द वे देव गॉन अबाउट मेकिंग इट, कितना दिख रहा है कि कितना ग्राफिक्स में कितना काम किया है, एक्शन में कितना काम किया है। कुछ एक दो महीने का तो सिर्फ एक्शन का शूट था, इट्स गोइंग टू पे ऑफ। बहुत अच्छा शो बना है, बहुत 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 मेहनत लगी है इसमें। लक्ष्मी जैसा करना मतलब सबके लिए था, ओ माई गॉड प्लेइंग भगवान, तो मेरे लिए सोच के सुनना ऐसा था कि भगवान करना कैसा होगा। बहुत क्लासेस हुई, हमने बहुत रिहर्सल की, उसके बाद आउटपुट विच कम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑफकोर्स, क्योंकि सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। मतलब आई थिंक मैं लकी हूँ कि मुझे रोल प्ले करने को मिल रहा है। ट्रेनिंग एज यूजुअल उसमें स्पीकर्स होते हैं तो और अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, बहुत लगता है कि हम लोग अभी मूवी देखने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि कोई सीन ही बहुत टेरिफिक होता है, थ्रिलर होता है, तो उससे और रोंगटे खड़े हो जाने लगते हैं, तो बहुत ही अच्छी स्क्रीन है।